बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। टुडे आई एम गोइंग टू डिलीवर एन अदर लेक्चर ऑफ बीए फ्रॉम सिलेक्शन ऑफ मॉडर्न इंग्लिश प्रोज एंड टुडे द टॉपिक ऑफ आर एस ए सीइंग लाइफ रिटन बाय आर्नल्ड बेनेट। आई एम मिसेस राबिया अकरम, असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के रोड पक्का। तो सीइंग लाइफ का ये जो एसे है सिलेक्शन की बुक से लिया गया है और इसके जो मेन आज इसका आइडिया है पहले वो हम डिस्कस करेंगे, फिर हम एसे की तरफ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं इसका जो हम ये देखें क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक में टू क्वेश्चंस दिए हुए हैं। Describe in your own words the accident narrated by Arnold Bennett. Arnold Bennett ने जो accident narrate किया है, describe किया है, बयान किया है, वो आप अपने अल्फाज में लिखें। इसका मतलब ये है कि इस essay के अंदर writer ने कोई accident discuss किया है। तो ये हमें थोड़ा सा idea हो गया, अभी हमने essay नहीं पढ़ा और उससे पहले हमारा mind active हो गया है कि इस essay में कोई एक्सीडेंट बताया गया, कोई हादसा बताया गया। और फिर उसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन जो टेक्स्ट बुक के हिसाब से मैंने इसको फोकस किया, सेकंड क्वेश्चन देखें। आर्नल्ड बेनेट हैज़ प्रेजेंटेड अ वेरी रियलिस्टिक स्लाइस ऑफ लाइफ इन दिस ब्रीफ नरेटिव। ये देखें इन्वर्टेड कॉमास में है, ये किसी का कॉमेंट है कि आर्नल्ड बेनेट ने इन दिस ब्रीफ नरेटिव इस मुख्तसर बयानिया के अंदर अ वेरी रियलिस्टिक स्लाइस ऑफ लाइफ ज़िंदगी का बहुत ही रियलिस्टिक रियल हकीकी वाक्य बयान किया है। आर्नल्ड बेनेट ने इस बयानिया ऐसे के अंदर नरेटिव ऐसे के अंदर ज़िंदगी का एक बिल्कुल हकीकी पहलू डिस्कस किया है। इलेबोरेट इस कमेंट की वजाहत करें तो इसका मतलब है कि इसमें दो चीज़ें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और एक है कि इसके अंदर एक्सीडेंट बयान किया गया, हादसा डिस्क्राइब किया गया। और अब हम देखेंगे कि वो क्या एक्सीडेंट है, क्या है। अच्छा, दूसरा जो किसी का कमेंट है और इसमें बयान किया गया कि रियलिस्टिक स्लाइस ऑफ लाइफ, इसके अंदर राइटर ने बिल्कुल ऐसे बयान किया है वाक्य जैसा कि हकीकत है, जैसा हम आँखों देखा हाल बयान कर रहे हों। ये टू क्वेश्चंस आ गए हैं और इनको अभी हम डिटेल में टेक्स्ट बुक के हवाले से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जनरेट कर सकते हैं, तो जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस जनरेट करेंगी उतना ज़्यादा अच्छा होता है। जितना हम इस क्वेश्चंस ज़्यादा जनरेट करते हैं हमारा माइंड एक्टिव हो जाता है और फिर उसके बाद हर एक ऐसे में से फोर क्वेश्चन मस्ट आएंगे आपके एग्जामिनेशन में। तो इसलिए भी बेहतर होता है कि हम ज़्यादा क्वेश्चंस को फोकस करें। ये ट्रेंड इंग्लिश ग्रामर बुक है मेरे पास और ट्रेंड इंग्लिश ग्रामर बुक से भी मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। तो ट्रेंड इंग्लिश ग्रामर बुक के जो क्वेश्चंस हैं वो एक दफ़ा मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आपके माइंड में ये बातें भी आ जाएं। ये देखें ये समरी है, तो ऑब्वियसली आप इसके समरी भी प्रिपेयर करेंगे जैसे कि आप हर एक ऐसे के समरी करते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। 15 नंबर का समरी का क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा और फोर क्वेश्चंस आएंगे किसी भी एक ऐसे में से 20 मार्क्स के। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो आप ये देखें। क्वेश्चन नंबर वन इज़ लुक एट द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। योर आंसर शुड बी अराउंड 75 to 150 वर्ड्स एंड अननेसेसरी डिटेल क्रिएट बैड इंप्रेशन। तो ये इन्होंने लिखा हुआ। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर वन देखें। व्हाट डज द राइटर थिंक द पीपल सॉ ऑन द रोड। तो ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन माइंड प्रोवोकिंग है, दिमाग को जगाने वाला है कि राइटर के मुताबिक लोगों ने रोड पर क्या देखा। सीइंग लाइफ जैसा कि इसका टाइटल है, ज़िंदगी का मुशाहिदा, सीइंग लाइफ। तो इस एक्सीडेंट के ज़रिए से राइटर बता रहा है लोग क्या देखते हैं, मतलब कि जो असल में जो फैक्ट्स थे वो लोगों ने ना देखे और लोगों ने क्या देखा
जो कुछ लोगों ने देखा राइटर के मुताबिक वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं था, और जो बात इम्पॉर्टेंट थी वो लोगों ने नहीं देखी। ये क्वेश्चन हो गया। देन ये देखें, इसका आंसर भी दिया हुआ है और उर्दू इंग्लिश दोनों में। इससे अगला जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं, व्हाट डज द राइटर थिंक द पीपल डिड नॉट सी ऑन द रोड। तो राइटर क्या सोचता है कि लोगों ने रोड पर क्या ना देखा, ये क्वेश्चन हो गया। और उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, व्हाई वाज द मिडल एज्ड मैन सो एंग्री। तो मिडल एज्ड मैन गुस्से में क्यों था, मिडल एज्ड मैन गुस्से में क्यों था, इतना गुस्से में क्यों था। फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ द क्रू ऑफ द बस। बस के अमले का, क्रू अमला, अमले का रवैया कैसा था। एंड द पुलिस मैन आफ्टर द एक्सीडेंट, और एक्सीडेंट के बाद पुलिस मैन का रवैया कैसा था। तो एक्सीडेंट के बाद ये दो चीज़ें। तो ये कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं ट्रेंड इंग्लिश ग्रामर बुक में से, ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। अब हम जो हमारा मेन फोकस है उसकी तरफ आ जाएंगे। ऑब्वियसली हमारा मेन फोकस टेक्स्ट है, और आप जब भी ये पढ़ा करें, लेक्चर देखा करें, तो आप अपनी टेक्स्ट बुक ज़रूर खोल के बैठा करें, और उसमें से जो चीज़ें अंडरलाइन करनी है उसको अंडरलाइन करें। वोकैबुलरी डिफ़िकल्ट है, सिलेक्शन की बुक में जितने भी एसेज हैं उनकी वोकैबुलरी डिफ़िकल्ट है, तो वोकैबुलरी को याद करें, डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग याद करें। ये देखें, ये सीइंग लाइफ, ये ऐसे है, अब मैं पढ़ रही हूँ इसका फर्स्ट पैराग्राफ जो इंट्रोडक्टरी भी है। ये मूड और टोन सेट करेगा, यानी इसको पढ़ने के बाद आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि राइटर क्या बताना चाहता है। तो ये किस तरह से रियलिस्टिक वे में उसने बताया, अ यंग डॉग इन एक्सपीरियंस सैडली लैकिंग इन इवन प्राइमरी एजुकेशन। तो एक छोटा कुत्ता, यंग डॉग मतलब छोटा, इन एक्सपीरियंस ना तजर्बाकार, और उसको प्राइमरी एजुकेशन भी नहीं थी, यानी कि सड़क पे चलने फिरने की। एम्बल्स एंड फ्रिस्क अलोंग द फुटपाथ ऑफ फुलम रोड, फुलम रोड की सड़क पर एम्बल एंड फ्रिस्क, यानी कि आहिस्तगी से चलता है। और नियर द मिस्टेरियस गेट्स ऑफ मैरिस्ट कॉन्वेंट, तो मैरिस्ट एम कैपिटल से लिखा हुआ है, ये उसका कॉन्वेंट का टाइटल होगा, जगह का नाम होगा। मैरिस्ट कॉन्वेंट के पुरिसरार गेट के करीब सड़क पर फुलम रोड पर जा रहे हैं। इज़ अ लार्ज पपी ऑन द वे टू बी अ डॉग ऑफ मस्ट डिग्निटी। वो एक बड़े कद का पपी है, पपी कहते हैं कुत्ते के बच्चे को, पपी है, और जो अगर बड़ा हो जाता है तो ये मच डिग्निटी का डॉग होगा। बट एट प्रेजेंट ही हैज़ लिटल ऑन द वे टू बी ओके लिटल टू रेकमेंड हिम बट दैट गॉकी एलिगेंस एंड दैट bounding gratitude of the gift of life which distinguish the normal puppy. He is an ignorant fool. अब ये देखिए, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। वो एक ignorant, जिसको knowledge ना हो, जाहिल जिसको कहते हैं, और fool बेवकूफ़, ignorant fool है, मतलब उसको नहीं पता कि उसकी life at risk भी हो सकती है। He might have entered the convent of nun and had a fine time. वो नंस के कॉन्वेंट में भी जा सकता था और एक अच्छा वक्त भी गुजार सकता था। और कॉन्वेंट क्या होता है, कॉन्वेंट जहाँ, और नंस क्या होती हैं, नंस जहाँ रहती हैं उस जगह को कहते हैं कॉन्वेंट। तो नन क्या होती हैं, नन इनकी मज़हबी जो इनकी रहनुमाई करने वाली ख़वातीन होती हैं, जो मज़हब को प्रीच करती हैं सारी ज़िंदगी, शादी नहीं करती, घर नहीं बसाती, सिर्फ मज़हब के लिए काम करती रहती हैं, उनको नन बोलते हैं। तो जिस जगह वो रहती हैं उस बिल्डिंग को कॉन्वेंट कहते हैं। तो ये किसी नन के कॉन्वेंट में घुस जाता तो इसका अच्छा वक्त गुजर जाता। बट इंस्टेड ही स्टॉप्स ऑफ द पेवमेंट इनटू द रोड बीइंग अ वास्ट एंड इंटरेस्टिंग कॉन्टिनेंट। तो सड़क उसके लिए बहुत दिलचस्प थी, इम्परफेक्टली एक्सप्लोर्ड, जिसको भी उसने पूरा एक्सप्लोर नहीं किया, देखा नहीं था। हिज कॉन्फिडेंस इन हिज नोज, इन हिज एजिलिटी एंड इन द गुडनेस ऑफ गॉड इज़ टचिंग, एब्सोल्युटली पेनफुल टू विटनेस। विटनेस मतलब सी, जितने कॉन्फिडेंस के साथ वो जा रहा है उसको देखना तकलीफ देह है। हिज एलिगेंस कैजुअली एट अ ह्यूज टावरिंग वर्मिलियन कंस्ट्रक्शन दैट
whizzing towards him on four wheels. तो उसका अचानक से एक फोर व्हील्स पर चलती हुई एक चीज़ आ जाती है, मतलब गाड़ी, प्रीसीडेड बाय अ ग्लिंट ऑफ ब्रास एंड अ विस्प ऑफ स्टीम एंड देन विद डिसडेन ही इग्नोर्स इट एज लेस इम्पोर्टेंट देन अ मेयर स्पेक ऑफ ऑर्डर्स मैटर इन द मड. तो उसको ज़्यादा अहमियत नहीं देता. द नेक्स्ट इंस्टेंट ही इज़ लाइंग इनर्ट इन द मड, और अगले लम्हे वो मिट्टी में बेहिस्सो हरकत पड़ा हुआ होता है. तो ये एक्सीडेंट हो गया, मतलब कि गाड़ी के वो नीचे आ गया, जो गाड़ी आ रही थी उसने वो पीछे नहीं हुआ और अचानक से वो गाड़ी के नीचे आ गया और इनर्ट पड़ा हुआ है. इनर्ट, डेड, डेड पड़ा हुआ है. ये एक्सीडेंट हो गया. इस पहले पैराग्राफ के अंदर मूड, टोन, सब कुछ सेट हो गया. आपको पता चल गया कि राइटर क्या बयान करना चाहता है. तो राइटर एक एक्सीडेंट बयान कर रहा है. तो इसको पढ़िएगा ज़रूर, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये ऐसे है. और इसके टेक्स्ट में इसे डिस्कस करते हूँ. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रामर के बहुत सारे क्वेश्चन हैं. कंप्रिहेंशन का क्वेश्चन है जो टेक्स्ट बुक में से आएगा, और इसके अलावा ट्रांसलेशन का समटाइम क्वेश्चन भी इधर से ही आता है. तो सवालों के जवाब भी आपने इधर से ही देने होते हैं. तो टेक्स्ट को बहुत ज़्यादा फोकस किया करें और वर्ड्स के मीनिंग याद करें. सेकंड पैराग्राफ देखते हैं. एन इम्प्रेसिव थिंग हैपन्स. इम्प्रेसिव मुतासिर कौन. द मोटर बस रिलक्टेंट स्लैकन्स एंड स्टॉप्स. मोटर बस रिलक्टेंट होती है, हिचकिचाती है, स्लैकन स्लो होती है, एंड स्टॉप और रुक जाती है. यानी कि जिस मोटर बस एक्सीडेंट हुआ है वो जाती नहीं है, बजाय इसके चली जाती है एक्सीडेंट के बाद, वो स्लो होती है, वो स्टॉप हो जाती है. नॉट द डिफरेंशियल ब्रेक नॉट द फुट ब्रेक हैज़ अरेस्टेड द मोटर बस बट द इनविजिबल ब्रेक ऑफ पब्लिक ओपिनियन. अब ये देखिए जो फ्रेज है ये इम्पॉर्टेंट है. इनविजिबल ब्रेक ऑफ पब्लिक ओपिनियन. तो इनविजिबल ब्रेक ऑफ पब्लिक ओपिनियन, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा. तो नज़र ना आने वाले, अच्छा किस वजह से वो बस रुकी है ये बात इसके अंदर डिस्कस हो रही है कि नॉट द डिफरेंशियल ब्रेक. तो ये कोई ऐसे डिफरेंशियल ब्रेक नहीं है, नॉट द फुट ब्रेक हैज़ अरेस्टेड द मोटर बस, और ना ही फुट ब्रेक जिसकी वजह से बस रुकी है. लेकिन बस क्यों रुकी है. बट द इनविजिबल ब्रेक ऑफ पब्लिक ओपिनियन. पब्लिक ओपिनियन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अवामी राय की नज़र ना आने वाले ब्रेक की वजह से गाड़ी रुकी है. एक्टिंग बाय एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसमिशन देर इज़ नॉट पुलिस मैन इन साइट. ये बात भी इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब हादसा हुआ है तो पुलिस नहीं है. थ्योरेटिकली थ्योरी नज़रियाती हिसाब से द मोटर बस इज़ फ्री टू वेज ऑनवर्ड इन इट्स फ्लाई टू द पैराडाइज ऑफ शॉर्टेज. तो नजरियाती तौर पर देखा जाए तो मोटर बस अब आज़ाद है और वो शॉर्टेज की तरफ जा सकती है जिस तरह वो जा रही है. बट इन प्रैक्टिस इट इज़ पैरालाइज बाई ड्रेड. ड्रेड मतलब फियर, खौफ. खौफ की वजह से वो माजूर हो गए. यानी कि अगर पब्लिक ने अब नोटिस ले लिया, देख लिया, पुलिस भी नहीं है, अगर वो भागना चाहता तो उसकी गाड़ी का नंबर नोट कर सकते थे लोग. तो लोगों की वजह से ही उसको खौफ से रुकना पड़ा. अ मैन इन ब्रास बटन्स एंड अ स्टाइलिश कोट लीप्स डाउन फ्रॉम इट. तो लीप डाउन, नीचे छलांग लगाता है. ब्रास बटन और स्टाइलिश कोट में एक आदमी है. और एंड द ब्लैक एंड डेमन हु सिट्स ऑन इट्स नेक ऑल्सो लीप्स डाउन फ्रॉम इट. और एक और ब्लैक एंड डायमंड नेगेटिव वर्ड यूज़ किया, सख्त मिजाज नज़र आने वाले शख्स, वो जो उसके बैग पे बैठा था वो भी छलांग लगा के नीचे आते हैं. एंड दे मूव जिंगरली, और वो जिंगरली मूव करते हैं, मतलब कि बैड मैनर के साथ वो मूव करते हैं टूअर्ड्स द पपी, कुत्ते की तरफ. अ लिटल वाइल अगो द बस मोटर बस माइट हैव ओवरटर्न ह्यूमन साइक्लिस्ट और सो. देखें ये अंडरलाइन कर लें. अ लिटल वाइल अगो, थोड़ी देर पहले हो सकता था कि मोटर बस किसी इंसान को कुचल देती.
ह्यूमन साइकिलिस्ट, जो साइकिल पर जा रहा होता था इंसान उसको भी कुचल सकती थी, एंड ऑल्सो एंड प्रोसीडेड नॉन चिलांट ऑन इट्स वे, और कोई उसका नोटिस भी ना लेता और बगैर किसी के जायज़ा लिए वो वहाँ से निकल के भाग जाते। बट नाउ इवन अ पपी रिक्वायर्स अ पोस्टमार्टम, लेकिन अब एक कुत्ते के बच्चे को भी पोस्टमार्टम की ज़रूरत पड़ गई थी। सच इज़ द फोर्स ऑफ पब्लिक ओपिनियन अराउज्ड, इसको अंडरलाइन कर लें, तो ये है अवामी राय की अहमियत कि एक दफ़ा अगर अवामी राय पब्लिक ओपिनियन अराउज हो जाए तो उसके बाद आप इतना मजबूर हो जाते हैं कि आपको एक जानवर का भी पोस्टमार्टम करना पड़े तो वो भी आपको करना पड़ सकता है। टू पुलिसमैन अपीयर इन द डिस्टेंस, अब ये जो इसके दो पुलिसमैन हैं ये भी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं इस स्टोरी के अंदर। सेकंड पैराग्राफ के एंड की तरफ उनका जिक्र किया गया है कि दो पुलिसमैन अब फासले से आ चुके हैं। तो यहाँ पर अभी मैं अपना लेक्चर स्टॉप कर रही हूँ और आप इसके समरी प्रिपेयर कर लें और आप इसको इसके वर्ड मीनिंग याद कर लें। अब आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया हो गया होगा कि किस टॉपिक के ऊपर आर्नल्ड बेनेट ने ये ऐसे लिखा है। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मज़ीद इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इसको हम डिस्कस करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।